स्वागत करता हूं मैं आपका आप ही के YouTube चैनल ईवी मॉन्क पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपके पास ईवी इंडस्ट्री के अपडेट्स लेके आता रहूंगा, तो दोस्तों आज जो अपडेट है आपके पास जो मैं लेके आया हूं वो है एक ई स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर का। तो दोस्तों आज हम एक नए शोरूम में आए हैं, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। तो आप गेस करिए आज वो कौन सा शोरूम है जहाँ पर हम खड़े हैं। दोस्तों आपका मैं जो है सस्पेंस थोड़ा दूर कर दूं और आपको दिखाऊं कि ये जो है एक हमारा इलेक्ट्रिक्स कंपनी का शोरूम है जहां पे हम खड़े हैं। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक्स कंपनी का शोरूम है। आज हम इसी के स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करेंगे और यहां पे देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या क्या कितनी रेंज है इसकी, क्या प्राइस है इसका। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गो इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक शोरूम एंड वॉच आउट, लेट्स चेक आउट द इलेक्ट्रिक स्कूटर दैट दे हैव फॉर अस। तो फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिक्स ब्रांड का मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 1988 में एस्टेब्लिश हुई थी 4 एम्प्लॉइज के साथ। उसके बाद 1992 में इन्होंने ल्यूमिनस इन्वर्टर लॉन्च किया। उसके बाद आप देख सकते हैं ल्यूमिनस बैटरी मैन्युफैक्चर स्टार्ट हुई 2004 में। फिर उसके बाद 74% इक्विटी फ्रेंच कंपनी स्नाइडर इलेक्ट्रिक को मिली। और उसके बाद 2008 में पहला कमर्शियल ई व्हीकल रोल आउट किया गया। आपने देखा होगा लिव प्योर के आरओ आपने देखे होंगे, वो लॉन्च हुआ था 2012 में। आपने लिव फास्ट की बैटरी देखी होंगी, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो लगती हैं। लिव गार्ड की बैटरी आपने देखी होगी, आपको ऐड भी आपको ध्यान होगा। और अब ये कंपनी जो है मूविंग के साथ इनका कोलैबोरेशन है और इन्होंने अब ये 2020 में इन्होंने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अपना स्कूटर, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स आइए आपको मैं दिखाता हूँ इस स्कूटर का पूरा वॉक अराउंड दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स इस स्कूटर में आपको यहाँ पे पहले ऊपर इंडिकेटर मिल जाते हैं लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पे आपको इसका नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है। यहाँ पे इसकी एलईडी लाइट्स हैं ये। और नीचे आप देखेंगे कि इसके आपके टायर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 10 इंची के मैक्सिस के टायर हैं यहाँ पे। और ये आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है इसका, ये दिख रहा होगा। और इसमें जो ब्रेकिंग है वो ड्रम ब्रेकिंग है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे आपको यहाँ पे LXX की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो यहाँ पे ई लिखा हुआ है यहाँ पे। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे फुट रेस्ट जो है पूरा फ्लैट है। यहाँ पे आप आराम से अपना सामान रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हुक मिल जाता है आपको। यहाँ पे आप अपना सामान टांग सकते हैं कोई भी। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है जिससे आप अपना फ़ोन यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पे अपना फ़ोन अपना अंदर आराम से रख सकते हैं अपना। उसके बाद फ्रेंड्स हम थोड़ा पीछे चलते हैं। बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर पिलन राइडर के लिए यहाँ पर फुटरेस्ट दे रखा है। और यहाँ पर अलग से एक और फुटरेस्ट दे रखा है यहाँ पर। और यहाँ पे साइड स्टैंड है इसका और इसका मेन स्टैंड भी आपको मिल जाता है। इसके बाद फीमेल पिलन राइडर के लिए यहाँ पे फुट रेस्ट है यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अलग यहाँ पे मोटर लगी हुई है, जो कि BLDC मोटर है यहाँ पे। और इसके पीछे हाइड्रोलिक शॉकर्स हैं ये। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और पीछे चलते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रीन नंबर प्लेट मिलेगी क्योंकि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसके पीछे आप ये देख पाएंगे इसकी टेल लाइट्स और यहाँ पे नीचे इसका रिफ्लेक्टर है। और पीछे से आप देखेंगे तो इसकी लुक कुछ इस टाइप की आती है। और यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक्स कंपनी की बैजिंग फिर से, और यहाँ पे ई स्मार्ट लिखा हुआ आपको मिल जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं इसका इंटरफेस। जब आप गाड़ी ऑन करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। इसमें पार्किंग मोड आ जाता है आपका। और अगर आपको गाड़ी रेडी करनी है तो आप इस स्विच को दबाएंगे तो आपकी गाड़ी रेडी मोड में आ जाएगी। यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे आपको कितना परसेंटेज आपकी बैटरी चार्ज है वो दिखाएगा। और आपको मोड दिखाएगा कि इस मोड में आपकी गाड़ी अभी चलेगी।
इसका मोड, आपके दो मोड हैं इसमें, आप वापस ये बटन दबाएंगे एम तो इसका सेकंड मोड में आ जाएगी ये गाड़ी और ज़्यादा स्पीड में चलेगी। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हॉर्न भी है जो कि दमदार है, और यहाँ पे इंडिकेटर लाइट्स हैं राइट और लेफ्ट के लिए, और ये आपका हेडलाइट्स हैं। तो फ्रेंड्स, और बात करते हैं यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव जो यहाँ पर हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम बलराम यादव। बलराम जी, हाँ बलराम जी, आज हम आपके शोरूम में आए हैं, तो कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में आज आप तो हमारे ऑडियंस को बताने वाले हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक एलएक्सएस स्कूटर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ओके जी सर। तो आपका आपके शोरूम में ये जो जितने भी मॉडल हैं ये सारे एलएक्सएस ही हैं? हाँ एलएक्सएस ही है। ओके, तो आप बताइए क्या इसके फीचर्स हैं इसके? एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, हम बात करते हैं क्लस्टर से। हाँ जी, स्टार्ट करिए, चले आइए। ये हमारा क्लस्टर है। ओके, ये हमारा पार्किंग मोड है जब ऑन करते हैं। हाँ जब ऑन, हाँ वही हमारा बैटरी परसेंटेज यहाँ पर शो करता है। ओके, तो हम स्टार्ट करने के लिए हमें ये वाला बटन दबाना होता है। ओके, ये व्हीकल हमारा स्टार्ट हो गया। राइट, इसमें टू मोड होते हैं, फर्स्ट इको मोड होता है, सेकंड आपका नॉर्मल मोड होता है। फर्स्ट मोड में आपकी जो स्पीड जो आती है, आपकी स्पीड आती है 43 किलोमीटर। ओके, पर और हाँ, और जो पर साइकिल, या अगर हम मोड चेंज करेंगे सेकंड वाला मोड, ये देखिए मोड चेंज हो चुका है इसमें हमारे। जी सर, हाँ इसमें आपकी 50 प्लस जाती है हमारी। ओके, 57, 58 आ गई। हाँ हाँ, ओके ये चीज़ है। अगर ये हमारी ये लाइट का है हमारे, ये हमारे इंडिकेटर्स दिए गए हैं। ओके, हम बात करें फ्रंट से आपकी, ये हमारे जो है ये आपको काफ़ी यूनिक दिख रहा है आपको, और ये हमारे जो टायर है ये ट्यूबलेस टायर है। ओके, और ये अगर बात करें हम, ये टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन दिए गए हमारे, ये फ्रंट ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, ड्रम ब्रेक जी सर। ओके, टर्बल दिया गया इसमें। अगर हम बात करें आगे की, ये स्पेस की बात करें हम, स्पेस में काफ़ी दिया जाता है, स्पेस देखिए आप। हाँ जी, स्पेस में काफ़ी है, और इसमें ये चीज़ USB पोर्ट भी है। ओके, हाँ हमें इसलिए आप इसे USB पोर्ट भी दिया गया है इसके अंदर। यहाँ पे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं? हाँ, इसलिए मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई पेपर ऊपर रखना हो इसलिए पेपर रखते हैं। ओके, हाँ जी सर। अगर हम बात करें स्पेस की, मैं आपको स्पेस भी दिखा देता हूँ इसमें। ये हमारा स्पेस है, ये हमारा, ये इसके साथ इसका बुकलेट आती है, बुकलेट आती है, ये फर्स्ट एड बॉक्स है हमारा, और ये हमारा टूल किट दी गई है। ओके जी सर, और ये हमारा स्पेस है। ओके, और इसके अंदर बैटरी? हाँ इसके अंदर दिखाया था आपको मैं, ये हमारी बैटरी है, फ्लिपकार्ट कंपनी की बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है, 51 वोल्ट की बैटरी है, 40 AH की। ओके जी सर, और इसमें यहाँ पे MCB लगी है? हाँ इसमें MCB भी लगी है, ये आपकी MCB है इसमें। ओके, अगर कहीं अगर हम बाहर जाते हैं 4-5 दिन के लिए, तो हाँ बंद करते जितनी आपको जो बैटरी होता है आप कंज्यूम नहीं करते, जितनी बैटरी होती है आपकी उतनी बैटरी रहती है, डिस्चार्ज नहीं होती आपकी बैटरी। ओके जी सर। बलराम जी, ये तो फीचर्स की बात हो गई, अब इसकी वारंटी गारंटी के बारे में बता दीजिए आप। जी सर, आपको मैं बताता हूँ, जो इसमें हमारी बैटरी है फ्लिपकार्ट कंपनी की बैटरी है, जो हम खुद प्रोडक्शन करते हैं बैटरी का। ओके, हाँ और जिसकी वारंटी होती है बैटरी की 4 साल की वारंटी होती है, और किलोमीटर की बात करें तो इसमें होते 40,000 किलोमीटर बैटरी के। हाँ, अगर हम और बात करते हैं, इसमें आपकी मोटर, कंट्रोलर, चेसिस, DC कन्वर्टर, इसकी आपकी होती है 3 साल की वारंटी, और किलोमीटर की बात करें तो इसमें होती है 30,000 किलोमीटर 30,000 किलोमीटर जी सर। ओके, तो मतलब ये लिव गार्ड की जो बैटरी है, और ये कंपनी भी लिव गार्ड की ही है? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, ये हमारी कंपनी ये है, सार ग्रुप का ही ब्रांड है इलेक्ट्रिक्स, उसी ब्रांड में आता है आपका ये लिव गार्ड। ओके, हाँ ब्रांड एक ही है, एक ही ब्रांड है। तो ओके, तो ये मतलब हमको कस्टमर को जो है एश्योरेंस है कि लिव गार्ड कंपनी की हमको बाइक मिल रही है, तो उसको पूरा पीस ऑफ माइंड रहेगा। जी सर, जी सर, ये सार ग्रुप का ही ब्रांड है इलेक्ट्रिक्स, और उसी ब्रांड है आपका लिव गार्ड, एक ही ब्रांड है, एक ही ब्रांड है। जी सर। ओके, ये मॉडल है। अगर हम प्राइस की बात करें, इसका जो प्राइस होता है ऑन रोड प्राइस का होता है आपका 97,300 रुपीज़। ओके, अगर हम माइलेज की बात करते हैं, इसकी माइलेज होती है आपकी 75 किलोमीटर जो रनिंग होती है आपकी। अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें, 2.5 घंटे में आपका, 2.5 से 3 घंटे में आपका बैटरी फुल चार्ज कर देता है आपका। ओके, हाँ और कितने यूनिट्स लगते हैं इसमें? आपका मैक्सिमम सर यूनिट होती है 2 यूनिट कंज्यूम करता है एक बार चार्ज होने में। ओके जी सर, जो जो चार्जर जो होता है हमारा, जो फास्ट चार्जर होता है 15 एम्पीयर का जो फास्ट चार्जर है, इससे जल्दी चार्जिंग हो जाती है। ओके जी सर, और इसमें आपको हमको सब्सिडी भी मिल जाती है? हाँ 10,000 सब्सिडी मिलती है, अगर आपके दिल्ली गवर्नमेंट की ID है तो आपको 10,000 आपके अकाउंट में आ जाती है। ओके जी सर। ओके, तो फ्रेंड्स आप चलते हैं, अब हम इसकी LXX मॉडल की टेस्ट साइड पे, तो कम ऑन फ्रेंड्स लेट्स गो। तो
तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, हम अभी फर्स्ट मोड में इसके चल पा रहे हैं और अभी थोड़ी देर में हमको इसकी हाईएस्ट स्पीड अभी देखने को मिलेगी। तब तक मैं आपको बता दूं कि इसकी राइड जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। जितने भी हम वो गड्ढे मिले उसको आराम से इसने पार कर लिया और अभी आप देख पा रहे होंगे इसकी हाईएस्ट स्पीड 38-39 तक पहुँच गए हम। फर्स्ट मोड में तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लगाएंगे और सेकंड मोड। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेकंड मोड में हम गाड़ी है हमारी और 42 स्पीड और कॉर्नरिंग भी इसकी बहुत अच्छी है जैसा कि आपने अभी देखा। फ्रेंड्स अब फिर से टेस्ट करेंगे एक बार हम, ये सेकंड मोड में हमें कितनी स्पीड मिल जाती है, थोड़ी खुली सड़क आ गई है। अभी हम 45 और इसके ऊपर भी पहुंच जाएंगे, अराउंड 48 पहुंच गई है हमारी हाईएस्ट स्पीड जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स टेस्ट साइड के मैं आपके बाद में आपको बता दूं कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ आपको ये 15 यूनिक फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको एक ऐप के थ्रू मिलेंगे जिसके बारे में बलराम जी हमें बताएंगे। तो बलराम जी आप बताइए हमें इसमें क्या क्या। जी मैं आपको दिखाता हूँ जी। इसमें देखिए आपको इसमें ये बैटरी परसेंटेज शो होता है आपका और रनिंग किलोमीटर दिखाता है। एक बार हम चार्ज करते हैं तो हमारे कितने किलोमीटर रनिंग करती है, अगर हम चार्ज लगाते हैं तो इतने घंटे में हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाता है। इसमें एक लोकेशन ट्रैकर है, ये आपको लाइव लोकेट करेगा कि आपका व्हीकल कहाँ पर है कहाँ नहीं, और वो पूरा लाइव लोकेट दिखाता है। यहाँ से हम बैक करते हैं, ये माय व्हीकल में हम जाते हैं, यहाँ पर ये आपकी बैटरी की हेल्थ दिखाता है कि बैटरी कंडीशन क्या है। ओके ये देखिए बैटरी दिखा रहा है आपका, बैटरी इज फाइन गुड कंडीशन राइट। ये हम बैक करते हैं यहाँ से, ये इसमें व्हीकल की समरी दिखाता है। इसमें पर डे का दिखाता है, वन वीक का आपका कितने किलोमीटर आपने रनिंग करी है पर डे के हिसाब से। हाँ ये देखिए मतलब पल पल की खबर मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल आपको मिल जाएगी। हाँ सही बात कर रहे हैं। और इसमें आपका डिस्टेंस दिखाता है, आपने वन वीक में कितने किलोमीटर डिस्टेंस आपने कवर किए है, आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है, ये आपको दिखाता है। और ये आपको एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आप अगर आप स्पीकर को परचेज करते हैं ये कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, ये हमको एक फैसिलिटी कंपनी दे रही है। हाँ ये अदर कंपनी अगर आपको देती है इस एप्लीकेशन में तो आपको चार्जेस लगती है, आपको 4000 रुपये पर ईयर। ओके हाँ ये कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। और इसके बाद हमें क्या कहते हैं इसके अलावा क्या क्या सर्विसेज मिल जाती हैं। अगर इसमें सर्विस की बात करें तो इसमें आपको सर्विस मिलती है आपको ऑन रोड सर्विस, या अगर आपका व्हीकल में कोई इशू आता है तो हमारा इंजीनियर आपको विजिट करता है वहाँ पर और आपको सर्विस आपको रिजोल्व करता है जो भी कोई इशू आता है इसमें। ओके जी सर। मतलब कितने टाइम में मिल जाती है वो हमें सर्विस अगर हम कोई फंसा हुआ करते हैं। सर आपको देखो 1 से 2 घंटे के अंदर आपको सर्विस मिल जाती है। 1 से 2 घंटे के अंदर जी सर। इसके बाद कंपनी एक और इसमें फीचर दे रही है आपको, एक सर्विस दे रही है कि आप ये अगर आप मन बनाते हैं इस गाड़ी को परचेज करने का तो आप इसको पहले ट्राई भी कर सकते हैं। उसके आप एक हफ्ते के लिए अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो आपको 800 रुपये आपको पे करना होगा और आप इसको इस स्कूटर को एक हफ्ते तक ट्राई कर सकते हैं और फिर आप इसको अगर आपका मन करे तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, जो कि बहुत फर्स्ट इन द इंडस्ट्री होगा। ऐसी सर्विस कोई भी नहीं दे रही है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो ऐसी सर्विस दे रही हो, आपको ट्रायल दे रही हो आपको परचेज करने के पहले आपका स्कूटर। तो फ्रेंड्स आज हमने इलेक्ट्रिक्स ब्रांड का स्कूटर जो कि एक कार्ड ब्रांड का ही एक सब ब्रांड है उसका एक आज हमने इलेक्ट्रिक स्कूटर का हमने ट्रायल लिया, आज आपको रिव्यू करके दिखाया। तो दोस्तों आप इस जो स्कूटर है इसका आप ट्रायल यहाँ पे आके ले सकते हैं। इसका एड्रेस जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको डाल दूँगा, वहाँ पे आप जाके इस स्कूटर को ट्राई करके ज़रूर इस स्कूटर को आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट परचेज। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट्स में बताइए और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए सब्सक्राइब करने में। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही वीडियो में एक अलग ई व्हीकल के साथ। तो दोस्तों तब तक टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, वेयर सीट बेल्ट्स एंड ड्राइव सेफ़।